कुछ कुछ ऐसा कुछ लोग जानने वाले होते हैं कि यहाँ भगवान का वास है। अच्छा, दवा पानी लेने से एक हमारे किशनपुर में वैद्य नाम का था, अच्छा जर्वन नाम का वैद्य था, उसका अंतिम समय जिस समय हो गया उसके बच्चे लोगों को बोला था कि मेरे लड़के बच्चे लोग यहाँ से दवा पानी लेना, कुछ कुछ दुख दर्द करता है वहाँ से आराम होते हैं। ये हम सुन रहे थे पहले से, और अभी जो है शौकी नाम से कोई बात को सुनकर यहाँ आकर पूजा पैसा किया जा गया, उसका दुख तुरंत आराम हो गया। ये आप लोग जो बोल रहे हैं यहाँ दूध दर्द भी, कितने महीने से आप सुन रहे हैं सब चीज? ये तो अभी तीसरा महीना हो गया है, और इसे सुनने में तो बहुत पहले से हमको थोड़ा थोड़ा संकेत मिल रहा है। पहले मतलब नवरात्रि पहले की, तीजा पोला के पहले की, सावन के पहले, ऐसा अभी ये जो नवरात्रि है ना जी, नवरात्रि के पहले गणेश चतुर्थी है जी, उस समय से यहाँ पता चला है। अधिक माध्यम से भक्त लोग आने लगे, भीड़ लगने लगे, तो ये हमको सब आदमी भक्त लोग बोले कि हम आराम मिल रहा है, आराम होते जा रहे हैं। दर्शक बंधु भक्त लोग आने में भीड़ उमड़ पड़ी, और इसी तरह से भगवान भोलेनाथ आस्था में आ रहे हैं, मनोकामना पूरा हो रहा है, भक्त लोग आ रहे हैं, इसी माध्यम से उनकी सेवा के लिए हम यहाँ का किशनपुर भक्तजनों कार्यकर्ता सभी भक्तजनों का सेवा कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं आस्था का केंद्र बना हुआ है, आस्था का केंद्र बना, जितने भी भक्त आ रहे हैं उसके मनोकामना पूर्ण हो रहा है। और जैसे बाबा जी बता रहे थे कि मेरे शरीर में फोड़ा था और मैं बहुत दिन से जाप रहा था कि यहाँ आने से मन शांत लगता है, फिर आस पास के निन्ने वाले को बता करके बता, तो वैसे है ना, बताइए और आपका क्या दुख दर्द था अभी बताइए। हमारा तो ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन हम सिर्फ सेवा बजा रहे, क्योंकि बाहर बहुत दूर दूर से भक्त जन आ रहे हैं, उसी का सेवा में तत्पर हैं, और अभी 3 महीना लगातार सेवा कर रहे हैं, बहुत आनंद मिल रहा है भक्त जनों का सेवा। कुछ रसीद वगैरह रखे हैं आप लोग? नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग रसीद रखिएगा, जो भक्त आते हैं स्वेच्छा से दान देंगे, है ना, आप रखिएगा और बढ़िया आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आपका शुभ नाम बताइए बाबा जी। मेरा शुभ नाम इंद्रजीत बारी। अच्छा, ये आपका प्लाट है? मतलब मेरा बड़ा भाई का है। अच्छा, बड़े भाई का है, ये दो भाई का यहाँ बंटवारा है, 4-4 एकड़ का। तो कुछ मंदिर बनाने में कुछ विचार विमर्श हो रहा है आप लोग का? अभी तो भोले शंकर भगवान का कृपा से जो रास्ता दिखाते जाएंगे वो होगा, अभी तो कुछ बता नहीं पाएंगे। अच्छा, चलो ठीक है, आप लगे रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मनोकामना को हम लोग रायपुर से टिमरी गांव से आए हैं, और हम के पास ऐसी आस्था केंद्र बना रहे, इसी जगह के बाद बोल शंकर भगवान की जय। कोमल कुमार साहू आदर्श ग्राम टिमरी रायपुर का निवासी हूँ, मन से काम करता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बोल भोले भंडारी की जय।